स्टेज टू पेपर रिव्यू एग्ज़ाम रिव्यू क्वेश्चन क्या है, फिजिकल क्या हुआ, कैसे हुआ, किस सेंटर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, फिजिकल में कितने कैंडिडेट आउट हो रहे हैं, ये कॉमन कॉमन से डाउट होंगे। तो 29 अगस्त, ठीक है, हम डिफिनेटली डिस्कस करेंगे आज का कैसा क्या चीज़ें रही हैं। उससे पहले बता देता हूँ, मोस्टली हर एक सेंटर में आई का चार्ट ये है, तो जो कैंडिडेट जिन्हें लग रहा हो कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को याद रखना। ऐसा आपका कोई चार्ट आएगा, उल्टा सीधा अगर याद कर लेना, मैंने एक बार होशियारी दिखाई थी, ठीक है, मुझे अभी भी याद है देहरादून, उधर मतलब जालंधर पंजाब में, ठीक है, मैंने गलती पता है क्या कर दी, मुझे मतलब मेडिकल में मौका मिला तो मैंने पता भाई ये वाली चारों लाइनें मतलब मैंने रट्टाफिकेशन कर लिया था, पाँचवीं लाइन भी मुझे याद हो गई थी, ठीक है, बट मैंने गलती पता है क्या कर दी, जब उन्होंने मुझसे बोला कि ये वाली लाइन पढ़ो, यही मेरा लास्ट स्टेप था, और उन्होंने मुझसे बोला ये वाला पढ़ो, तो मैंने गलती ये कर दी, क्योंकि उतना कुछ गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो मैंने गलती ये कर दी कि ये वाली लाइन को मैंने जब उनसे उन्होंने सीधा बोला तो मुझे याद थी, तो मैंने सीधा सुना दिया VHAIXUY ऐसा सुना दिया, उन्होंने पता तुरंत मुझसे बोल दिया जस्ट के उल्टा सुनाओ, ठीक है, तो मैंने ये वाली लाइन बहुत तेज़ी बोल दी थी, अब मैं उल्टा में उतनी तेज़ सुना नहीं पाया, फिर मैं लटक गया, ठीक है, मतलब ABCD आप जिस फ्लो से बोल लेते हो उस फ्लो से आप क्या ये बोल पाओगे, उल्टा जेड और वाई और एक्स डब्ल्यू यू वी यू बोल पाओगे, उतना तेज़ नहीं बोल पाओगे ना, ठीक है, तो उसी वजह से फिर उन्होंने लास्ट वाली लाइन से पूछ दिया तो फिर मुझे फंसा दिया। तो ऐसा कुछ है तो फिर आराम से अपने अकॉर्डिंग समझ के करना। उसके बाद ये कुछ चार्ट है, ये आपका कहाँ का चार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है, और रुक जाओ, वो कलकत्ता सेंटर का, ठीक है, कलकत्ता मोस्टली सेंटर में यही होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ने आज क्लियर किया है तो उनका यहाँ पे बता देता हूँ, ये देख लेता हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली भाई का क्लियर हो गया। अरे भैया हो गया, मेरा देहरादून फर्स्ट शिफ्ट में था, टोटल कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में 150 के ऑलमोस्ट थे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, प्रेजेंट थे 117, काफ़ी कैंडिडेट ने एबसेंट यहाँ पे कर दिया है। PFT आउट हुए 46 कैंडिडेट आउट हुए, एग्जाम 71 लोगों ने दिया, 49 को रिमेडिकल मिला, 22 यहाँ पे फिट हो चुके हैं। उसका देख सकते हैं यहाँ पे भाई को ये मिला है, यहाँ पे आपको हाई एंड में लिख दिया जाता है, इसी के बेसिस पे लास्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट अनाउंस होता है, जब एक दिन में सारा का सारा प्रोसेस होता था, अब खैर वैसे ही हो जाता है। चलो, डॉक्यूमेंट में ज़्यादातर को बाहर नहीं हो रहा है, रनिंग में पूरा टाइम दे रहे हैं, मेरे बैच में 15 लोग ने रनिंग किया, 12 पास थे, मेरे बाद वाले बैच में 15 में से ओनली 3 पास हुए। बेसिकली क्या बोला भाई ने, पूरा रनिंग को टाइम दिया जा रहा है, बट जो 6:30 में नहीं आ पाएगा उन्हीं को आउट करें, वो सिर्फ टाइम देख रहे हैं 6:30 का, चाहे सब आ जाए या एक भी ना आए, ठीक है, मतलब उनको टाइम से मतलब है। 3 फुल फॉर्म थे भी कोई इजी, मैंने ऑलरेडी आपको फुल फॉर्म की PDF प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम पे, हाँ, और टाइम टाइम से आपको मॉक टेस्ट वगैरह में फुल फॉर्म बहुत सारे रिवाइज कराए थे, और उसके नागालैंड की राजधानी ऑलरेडी पता ही होगी, एक करेंसी थी, 5 नंबर का पैसेज था, 2 नरेशन, 2 वॉइस, 2 पंचुएशन, ये इंग्लिश के स्कोरिंग टॉपिक थे। अब देखो यहाँ पे 10 से 12 नंबर बिल्कुल ईजिली आप ये गेन कर सकते थे, 9 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, ये भी मैंने आप सभी को लास्ट डे करवा दिया था प्रैक्टिस के लिए, मुझे पता था कि कल मैंने टॉपिक भी आप सभी को शेयर किया था कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर लेवल मॉडरेट था। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, इधर ओपन हो जाओ एक सेकेंड, पेपर का जो लेवल था मॉडरेट था। उसके बाद और भी कैंडिडेट का यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे शुभम का भी क्लियर हो चुका है, तो शुभम का देख लेते हैं क्या है। ये तो BSA पावर वाले वाले का आज पेपर को ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, इनका सेकेंड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में 117 थे, 46 आउट हुए, 71 क्लियर हो गए, 71 में हाइट, 22 फिट, 48 को रिमेडिकल, पैसा एकदम ईजी था, 2 एक्टिव, 2 पैसिव, 2 डायरेक्ट, मतलब 2 एक्टिव पैसिव, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 3 वर्ब से करनी थी, हैज था एक क्वेश्चन में, ऑप्शन में इफेक्ट इफेक्टेड इफेक्टेड था, ठीक है, कैच के साथ में V3 आता है, सिनोनिम हिंडर लाइक बाधा होती है, मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, हिंडर, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, ठीक है, बॉटल नेक, वो सारे के सारे वर्ड हो जाते हैं। इंटरिम लेविस का मतलब होता है लाइक अपवाई टाइप में, बेमतलब में खर्चा करने वाला, मैथ में log3 और log4 की एक्स की वैल्यू पूछी थी यहाँ पे, इंटीग्रेशन के यहाँ पे पूछ सकते हैं, 1 - cos2x अपन 1 + cos2x। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, लॉग में अपोजिट का था, डिटरमिनेंट से था एक क्वेश्चन, एक की वैल्यू निकालनी थी, डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन था, लॉग से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसका GK नागालैंड की कैपिटल थी, टर्की की करेंसी पूछी तो लीरा, मैंने ऑलरेडी आप सभी को ये भी करा रखा है। RBI का हेडक्वार्टर पूरा का पूरा सब कुछ RBI के बारे में बता रखा है कि RBI का हेडक्वार्टर, RBI की स्थापना कब हुई थी, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, मोस्टली हर एक बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पे है मुंबई पे, ठीक है, SIDBI बैंक का लखनऊ भी हो जाता है, बाकी मोस्टली बैंकों का वहीं पर। रीजनिंग थी कोडिंग डिकोडिंग से, 1+1 मतलब एक घटा के एक जोड़ के, ईजी ही आता है रीजनिंग, बहुत ईजी आती है, थोड़ा बहुत समझ हो गया ना तो आप डेफिनेटली करके आने वाले हो। एक ब्लडेशन से था, 2 फिल करने वाले थे, एक छोटा बड़ा वाला से था, मीनिंग देखकर पूछा था कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, बाकी याद आने पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये भाई ने यहाँ पर रिव्यू दिया, और भी देख लेता है, और भी इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, हाँ मीनिंग देखकर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे BSF का हो गया। उसके बाद हर्ष राजपूत ने भी भाई शेयर किया,
हेलो भैया, आज मेरा फेस टू था, चाणकपुरी दिल्ली था, आपकी दया से हो गया क्लियर। पोस्ट में किसी को भी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो देखो दौड़ता रहेगा और मतलब 6:30 में कोशिश करेगा, वो फीमेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, डेफिनेटली क्लियर करके आने वाला है। एक लड़के को इनहेंस दिए थे, मतलब एक चांस और दिए थे, आई थिंक ऐसा लिखना चाहते थे। पेपर बहुत ईजी था, पेपर पहले वाले से भी ईजी था। 3 फुल फॉर्म आए थे, उसके बाद यहाँ पे 2 डांस से था, एक इंटरनेशनल डांस भी था और एक भी हुआ सम वाला। मेडिकल भी बहुत बेसिक हुआ। मेन चीज़ हुई बस एक टर्की की करेंसी थी। एक चीज़ यहाँ पे समझो, सेम शिफ्ट में पेपर डिफरेंट डिफरेंट सेंटर में पेपर एक ही आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि देहरादून में फर्स्ट शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया वही दिल्ली की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आएगा, मतलब वो सभी को पता है कि कौन सा पेपर कहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिर से बस वही है कि फिजिकल ओवरऑल हर एक सेंटर पे देखो। मैं अभी क्या बताता हूँ, टेलीग्राम पे मैं फिर आपको अभी अभी से कुछ देर बाद अपडेट करूँ, क्योंकि कुछ सेंटर पे अभी कैंडिडेट निकले नहीं है। जामनगर सेंटर हो गया, ठीक है, इन सेंटर पे भी कैंडिडेट निकले नहीं है, पहले शिफ्ट वाले फ्री हो जाते हैं। काफ़ी सेंटर में एक साथ ही सारे के सारे कैंडिडेट को छोड़ जाते हैं, कुछ सेंटर में जैसा प्रोसेस होता जाता है उनको आगे बढ़ाते जाते हैं, कुछ सेंटर में चीज़ें डिले होती हैं, ठीक है। तो बस मेरा एक ही आप सभी के लिए सजेशन है कि आपका जो रनिंग होगा ना, जो आपका रनिंग होगा उसमें यार पूरी कोशिश करना कि क्लियर कर पाओ। रनिंग क्लियर करोगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आप 60-70% सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। पेपर आपके लिए वैल्यू अब कितना रखता है, केवल 20-25% पेपर वैल्यू रखता है सेकेंड वाला, क्योंकि आप 30-40 क्वेश्चन तो कहीं कर ही लोगे, बाकी 10-15 आपके तुक्के सही हो जाएंगे, तो आप इजली वो चीज़ें कर लोगे, ठीक है। ये पेपर हो गया। अगर मेडिकल एग्जाम की बात कर लेते हैं तो मेडिकल एग्जाम कल की डेट में तो खैर काफ़ी डिफिकल्ट बताया था कि इन्होंने, स्पेशली जामनगर सेंटर में लगभग 100 में से लगता है 20 या 22 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला। मान लो ग्रीन मतलब फिट हुए, बाकी सारे कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला था। बीपी में बहुत सारे कैंडिडेट को अपॉइंट बना दिया, तो वो सारों का क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं, बाकी कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, चीज़ें सारी की सारी आसानी है, ठीक है। मेडिकल बता दिया, फिजिकल बता दिया और रिपोर्टिंग टाइम से करना है, डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ। फिर से पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर इतना दिन में लड़के मुझे परेशान करते हैं भाई, मैसेज करके करके, भैया पुलिस वेरिफिकेशन यार नहीं ले जाना, वो वीडियो पता नहीं देखते कोई भी, बस पर्सनल वो पा गए नंबर या फिर कैसे भी। हाँ, मैं अपना जानबूझ के दे देता हूँ कि हाँ कैंडिडेट की हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो क्या करते हैं उसका लाइक दुरुपयोग करता है। और फिर बेमतलब पुलिस बार बार, मैं 10 बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भाई ज्वाइनिंग में चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी इसका कोई नीड नहीं है, इसे अभी आप भूल जाइए, आप बस अपना स्टेज 2 देने चाहिए और सारी की सारी चीज़ें आसान है, ठीक है। बाकी वंस अगेन ऑल द बेस्ट, टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा, अभी कुछ देर बाद फिर से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगा। तो यही थी जो चीज़ें मुझे इन्फॉर्म करनी थी आप सभी को, आज का स्टेज 2 एग्जाम रिव्यू। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।